नमस्कार, पवन कुमार, ऑल जे एंड के पी एच ई आई टी आई ट्रेन सी पी वर्कर लैंड ओनर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रियासी और कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट सीनियर मेंबर जम्मू कश्मीर यूटी। आज जो है इस प्रेस वार्ता के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, यहाँ पर जो कटरा सब डिवीज़न के जो हमारे वर्कर्स हैं यहाँ पर एकत्रित हुए और यहाँ पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि 11 तारीख को जो है आने वाले सोमवार को वन डे प्रोटेस्ट पीएचई डिपार्टमेंट, जिसमें जितने भी हमारे पीएचई के वर्कर्स हैं, जितने भी जम्मू प्रोविंस के 10 के 10 डिस्ट्रिक्टों से डिवीज़न लेवल, सब डिवीज़न लेवल, जहाँ भी हमारे ये कैजुअल लेबर्स पीएचई डिपार्टमेंट में जितने भी वर्कर्स सेवाएं दे रहे हैं, इसमें आईटीआई ट्रेंड हैं, सीपी वर्कर्स हैं, लैंड ओनर्स हैं, नीड बेस हैं, इम्प्रेस्ड कैटेगरी है, जितने भी अलग अलग कैटेगरी में वर्कर्स सेवाएं दे रहे हैं, उन सभी से मेरी अनुरोध अपील है कि आने वाले जो 11 तारीख को सोमवार को जो है सभी वर्कर्स जो है ठीक सुबह 10 बजे के करीब जो है चीफ इंजीनियर ऑफिस बीसी रोड जम्मू में पहुंचे और वन डे प्रोटेस्ट होगा। इस प्रोटेस्ट के माध्यम से हम सरकार तक जो हमारी मुख्य डिमांड है, ये रेगुलाइजेशन पॉलिसी जो है जितने भी कैजुअल वर्कर्स हैं उनके लिए लागू की जाए और मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू किया जाए। अगर सरकार की नींद नहीं खुलती है, ये जगाने का प्रयास है और ये वन डे प्रोटेस्ट अल्टीमेटम है कि सरकार जल्द से जल्द हमारी जो मुख्य डिमांडें हैं, रेगुलाइजेशन पॉलिसी, मिनिमम वेजेस एक्ट, उसे फौरी तौर पे जो है इंप्लीमेंट करे। उसके बाद जो आगे की रणनीति होगी वो वहीं से जो ऐलान किया जाएगा और जो आपके वीडियो, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो भी आगे की रणनीति होगी वो उसी दिन वहां से ऐलान की जाएगी। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।